मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। उसमें ग्रामीण विकास प्रशासन एवं ग्रामीण विकास अभिकरण। ग्रामीण विकास प्रशासन के बारे में अध्ययन करने से पहले हम प्रशासन से क्या अभिप्राय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है प्रकट एवं आकृष्ट रीति से शासन करना। वर्तमान में शासन का अभिप्राय सरकार से लिया जाता है, लेकिन इसका प्राचीन एवं वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार प्रशासन कार्य के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। प्रशासन का अर्थ बहुत व्यापक एवं विस्तृत है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग चार अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ में प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यायवाची माना जाता है, जैसे बुश प्रशासन, वाजपेयी प्रशासन, मोदी प्रशासन, गहलोत प्रशासन इत्यादि। दूसरे अर्थ में इसे सामाजिक विज्ञान की एक शाखा माना जाता है। तीसरे अर्थ में इसका प्रयोग उन सभी क्रियाओं के लिए किया जाता है जो कि लोक नीति एवं लोक नीतियों को क्रियान्वित करने के रूप में होता है। चौथे अर्थ में इसका सामान्य रूप से प्रबंध के सभी कार्यों के लिए किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है, जिसमें विपनर के शब्दों में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों को संगठन एवं नियंत्रण से ही प्रशासन है। एलडी वाइट के अनुसार किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण ही प्रशासन है। प्रशासन की सामान्य विशेषताएं। प्रशासन में एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग लिया जाता है। इसमें किसी विशेष अथवा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाना होता है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होकर कार्य करना होता है। प्रशासक को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों से सहयोग लेने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। इसमें मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण आदि कार्य भी सम्मिलित किए जाते हैं। ये विद्यार्थियों, प्रशासन से क्या अभिप्राय है एवं विशेषता है। अब अध्ययन करेंगे ग्रामीण प्रशासन से तात्पर्य। प्रशासन का वह रूप जो ग्रामीण विकास से संबंधित होता है या ग्रामीण विकास प्रशासन कहलाता है। इसका अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो ग्रामीण विकास के लिए संपन्न की जाती है। ग्रामीण विकास प्रशासन से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार इसमें ग्रामीण विकास कार्यों के स्तरों से जुड़ी हुई एजेंसियां सम्मिलित होती है। आम जनता में विकास के प्रति विश्वास का भाव जागृत करने का अहम दायित्व ग्रामीण विकास प्रशासन पर है। वह न केवल सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों को लागू करता है, बल्कि जनता की समस्याओं और ग्रामीण विकास के बाधाओं के रूप में सरकार को जानकारी देने में भी सार्थक भूमिका अदा करता है। भारत में जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में कलेक्टर कानून और व्यवस्था का पहरेदार होने के साथ जिला के सर्वांगीण विकास का अभिकर्ता और सरकार का प्रतिनिधि होता है। अब ग्रामीण विकास का क्या महत्व है। भारत एक विकासशील देश है जिसकी जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग गांवों में निवास करता है। ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 27% अर्थात प्रत्येक चौथा ग्रामीण व्यक्ति निर्धनता रेखा के नीचे है। करोड़ों भारतीय जो गांव में निवास करते हैं, बेरोजगारी व निर्धनता के कारण अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। परिणाम स्वरूप वे नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रामीण निर्धनता व बेरोजगारी को समाप्त करने व ग्रामीण विकास
प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण विकास प्रशासन का महत्व अपन निम्न बिंदुओं द्वारा विद्यार्थियों समझेंगे। पहला पॉइंट है ग्रामीण विकास में तीव्रता। देश में बेरोजगारी तथा गरीबी को समाप्त करने के लिए ग्रामीण विकास की गति में तेजी लाना अति आवश्यक है। कुशल ग्रामीण विकास प्रशासन के द्वारा ही ग्रामीण विकास कार्यों में तीव्रता लाई जा सकती है। ग्रामीण विकास प्रशासन ग्रामीण विकास में बाधक समस्याओं का शीघ्र हल करके विकास को गति प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण विकास एजेंसियों में तालमेल। ग्रामीण विकास कार्यों को संपन्न करने में अनेक एजेंसियां लगी हुई है। विभिन्न एजेंसियों के क्रियाकलापों में समन्वय आवश्यक है। ग्रामीण विकास प्रशासन विभिन्न विकास एजेंसियों के कार्यों में तालमेल बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुशल निर्देशन। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कुशल निर्देशन आवश्यक है। ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण कार्य है, अतः ग्रामीण विकास प्रशासन कुशल निर्देशन के द्वारा इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करवाता है। वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग। विगत कुछ वर्षों में केंद्र तथा अनेक राज्य सरकारें अपने बजट का 50% से अधिक ग्रामीण विकास पर व्यय करने लगी है, अतः वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग अति आवश्यक है। ग्रामीण विकास प्रशासन में इस बात का ध्यान रखता है कि वित्तीय साधनों को कहां दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास। ग्रामीण विकास प्रशासन विकास हेतु लक्ष्यों में प्राथमिकताओं को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्ष्यों प्राथमिकताओं को निर्धारित करने समय प्राप्ति विकास प्रशासन सरकारी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर करता है।